वेलकम टू लोअर टच, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये मेरा मान लीजिए एक टेम्पलेट है इंस्टाग्राम माई फेवरेट सॉन्ग का। तो इस टेम्पलेट को कैसे बनाते हैं, इसका क्या प्रॉफिट है, पहले वो आप जान लीजिए। फ़ायदा दोस्तों इसका ये है कि जब भी आप ऐसा कुछ टेम्पलेट बनाते हो तो ये वायरल हो जाता है, तो काफ़ी कुछ फॉलोअर्स, लाइक्स एंड यानी कि आपके अकाउंट की जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक यानी कि इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ यहाँ पे मतलब कि 3.3 मिलियन लोगों ने इसको यूज किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके बहुत सारे लोगों ने इस मतलब इसे मतलब यूज करते हैं, तो बहुत प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं ये आप जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। भाई बिल्कुल नया इंस्टाग्राम है, मैं ज़्यादा यूज नहीं करता, लेकिन आपको रिक्वेस्ट है कि फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि कुछ ऐसे ही जो वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ। तो फॉलो करने के बाद अगर आप कुछ नया ट्रेंड आता है तो मैं यहाँ पर हाईलाइट लगाता रहता हूँ, तो उससे भी आप यहाँ से ज्वाइन करके भी फायदा दूसरे ले सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे हम खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आना है, जैसे नॉर्मल स्टोरी लगाते हो आपको बस यहाँ योर स्टोरी पे क्लिक करना है। योर स्टोरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने एक कोई सा भी एक फ़ोटो ले लेना है। जैसे मान लो मैंने एक ये फ़ोटो लिया है, मुझे इसका बनाना है टेम्पलेट। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपको ये मिल रहा है एड योर्स करके, साथ ही यहाँ टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है। टेम्पलेट पर क्लिक करोगे, जैसा टेम्पलेट पर क्लिक करो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आ गया। बैकग्राउंड पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ देखो बिल्ला बोला है कि पिन है ना, देखो यहाँ बोला है बैकग्राउंड अनपिन, बैकग्राउंड पिन। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है, मान लो ठीक है इस तरीके से मुझे यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप चाहो तो जो इस कोई सा भी एक बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। ये एक सिंपल सा टेम्पलेट मैं बनाकर आपको सिखा रहा हूँ, आप जितना चाहो उतना यहाँ से आप अच्छा बैकग्राउंड चूज कर सकते हो। ठीक है, तो बैकग्राउंड लगाने के लिए ऐसे करके यहाँ से आप देखो नाम वाम भी सब सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर और सब कुछ यहाँ से मान लो कैन गो टू मी, माई नेम इज़ माई निक नेम, माई लिस्ट, ठीक ए सॉन्ग दैट मच से मान लो इसको मैंने रखा जाए, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कंटिन्यू विद दिस टेम्पलेट, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो, वरना जो नहीं रखना है आप यहाँ से इस तरीके से इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अब ये जो आपने टेक्स्ट को एंटर किया यहाँ पे ऐड किया, इसको अगर चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप कोई सा भी एक चेंज कर सकते हो, मान लो इसमें कर सकते हो, या फिर कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ से आप इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको यहाँ रखा, अब यहाँ पर आप इसको रख सकते हो। उसके बाद यहाँ से सॉन्ग पर क्लिक करके सॉन्ग यहाँ से ऐड कर, तो कोई सा भी सॉन्ग यहाँ पर आप ऐड कर दो। ठीक है, जो आपको मन करता है वो सॉन्ग यहाँ से ऐड कर दो। उसके बाद यहाँ पे और सब कुछ कर सकते हो, या फिर आप कुछ चाहो तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो जैसे कि आप यहाँ पे चाहते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एड्स योर का एक बना सकते हो बिल्कुल इसी टेम्पलेट, और बना के आप लगा दो। जब भी किसी को लगाना होगा वो एड्स योर पर क्लिक करके अपना जो कि यहाँ से फ़ोटो लगा लेगा और आपका जो टेम्पलेट है वो वायरल हो जाता है। तो बिल्कुल ईजी यहाँ से आप टेम्पलेट अपना बना सकते हो। ये मैंने सिंपल बना दिखाया, आप चाहो तो इसमें बैकग्राउंड ऐड करके बिल्कुल प्रोफेशनल टेम्पलेट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपको लिए ले जाता हूँ। वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट साथ, थैंक यू सो मच।